कमोडिटीज की शुरुआत होने वाली है और इनफैक्ट ओपनिंग हो चुकी है। क्रूड 26 रुपए ऊपर खुला है, लेकिन गोल्ड की ओपनिंग देखनी होगी। मृत्युंजय मेरे से होगी मौजूद भी है। मृत्युंजय, फ्राइडे के वीक क्लोजिंग के बाद आज धनतेरस का मौका है और रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है गोल्ड पर, एक अच्छी शुरुआत हुई है। बिल्कुल, दीपावली और धनतेरस के मौके पर गोल्ड की चमक इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई थी और बाजार दो महीने के निचले स्तर तक लुढ़का था, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पर भी दिखा था। लेकिन आज बाजार में तेजी है, तो इसके पीछे एक वजह यह भी है कि रुपया काफी कमजोर हुआ है और इसने मार्केट के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत कर दिया है। करीब 185 रुपए की मजबूती है गोल्ड में और चांदी का भाव करीब 195 रुपए ऊपर है। 35,100 के ऊपर चांदी में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज चमक है, धनतेरस के मौके पर यह चमक बढ़ी है और कच्चे तेल में करीब 25 रुपए की बढ़त है। 2974 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब 25 रुपए की मजबूती। और नेचुरल गैस में करीब 0.5% की तेजी है, 158 के ऊपर है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। और साथ ही अगर बात करें कॉपर की, तो यहाँ पर करीब 2 रुपए की बढ़त है, 331 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर। और कुछ और काउंटर को देखें तो वहां पर किस तरह की हलचल है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। निकिल में करीब 4 रुपए की मजबूती है, 645 के ऊपर शुरुआती दौर में निकिल में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेड में करीब 30 पैसे की बढ़त है, 111 के आसपास है एमसीएक्स पर लेड का भाव। जिंक में करीब 0.5% की तेजी। तो यहाँ पर आज जो बाजार की चाल है मेटल की, वो रेंज बाउंड है। और एग्री मार्केट को देखें तो ग्वार में करीब 26 रुपए की कमजोरी है, 3796 का लेवल है और ग्वारगम का भाव करीब 60 रुपए नीचे है, 7930 के लेवल पर यहाँ पर ग्वारगम में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यह है बाजार का ताजा हाल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, चूंकि आज धनतेरस है और आज गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, और अगर हम देखें तो पिछले 2 साल के मुकाबले गोल्ड का भाव करीब 4 से 4,500 रुपए तक सस्ता है, कम है 2 साल के मुकाबले। हालांकि आज थोड़ी बहुत तेजी है। बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं nprasad.net के सीईओ एन प्रसाद बेंगलुरु से और साथ ही हमारे साथ हैं एंजल कमोडिटी के वीपी अनुज गुप्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल एन प्रसाद आपसे, गोल्ड की कीमतों में धनतेरस के दिन तेजी आ गई है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं सब जी टीवी का वीक्षक के लिए धनतेरस की बढ़ाई देता हूँ कि पिछले दो साल से गोल्ड में ज्यादा मुनाफा मिला नहीं है लोगों को, इन्वेस्टर्स को। बट ये साल में मैं जरूर कहूंगा कि ये लोअर लेवल्स में ट्रेड हो रहा है। आज जो लंबे निवेशक है, एक साल की अवधि से आज जैसा तेजी भी लौटा है, इनको आज इन्वेस्टमेंट किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगले साल के लिए बैंक रिटर्न से ज्यादा मुनाफा जरूर मिलेगा। ठीक है, अनुज गुप्ता आपका व्यू क्या है, क्या आपको लगता है चूंकि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन गोल्ड में निवेश करना शुभ माना जाता है, क्या आपको लगता है कि ऐसे में निवेश का ये मौका भी है और दस्तूर तो है ही? मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग, और आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गोल्ड में देखें तो आज डेफिनेटली मार्केट एक पॉजिटिव साइड में खुला है और हम देखें तो करेंसी भी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लोअर लेवल की बाउंस बैक यहाँ देखने को मिली है। तो जैसा कि प्रसाद जी ने बोला कि जो लंबी अवधि के जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक अच्छा मौका है, तो डेफिनेटली जो लंबी अवधि के लोग हैं मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज अच्छा दिन भी है और प्राइस भी काफी लोअर लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बाय इनिशिएट किया जा सकता है और इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि आज बाइंग साइड में ट्रेड किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में बाइंग करना बेहतर होगा, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। चांदी के ऊपर अनुज गुप्ता आपकी कॉल क्या है? देखिए, चांदी भी हम देखें तो प्राइस $15 के नीचे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल यहाँ पर भी हैं, तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। अगर हम टारगेट की बात करें ऊपर, तो मुझे लगता है कि करीबन 35,300 से 35,500 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि टोन थोड़ा नेगेटिव है, बट मॉर्निंग से जो मार्केट पीछे से खुला है और इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है मॉर्निंग से मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करे। इंडियन रुपीज का यहाँ पर जो सपोर्ट है वो यहाँ मिलता रहेगा। ओके, और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप आज गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। और सबसे पहले ये कि जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें तो आपके लिए हॉलमार्क देखना बहुत जरूरी है, हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। साथ ही वजन और कैरेट का भी ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। और प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट जरूर लें और मेकिंग चार्ज पर ध्यान जरूर दें, खरीदारी का बिल जरूर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान आपको गोल्ड खरीदते वक्त रखना चाहिए।
क्योंकि आमतौर पर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि खरीदते वक्त किस तरह की यहाँ पर जरूरत है सावधानी की, और अगर इस तरह की सावधानी आप बरतेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो आपका ये आज का निवेश है, आपकी जो खरीदारी है, वो शुभ होगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कच्चे तेल की और क्रूड का मार्केट जिस तरह से एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एन प्रसाद, क्रूड के ऊपर क्या व्यू होगा आपका, क्या कच्चे तेल में आज के लिए निवेश करना, बाइंग करना एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट हो सकता है? देखिए, क्रूड में आई एम वेरी बुलिश, मैं क्या बोल रहा हूँ कि करेक्शन की दौर चल रहा है, वो नया हाई बनाते जा रहा है, फ्रॉम 2600 नया लोस नहीं बनाते जा रहा है बिल्कुल। और जो इंटरनेशनल डाटा आया था फ्राइडे को, हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, आप जैसा रीड करेंगे वैसा है। मेरे को लगता है जॉब्स इंप्रूव हो रहे थे, इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है, तो डिमांड भी इंप्रूव हो सकता है। द सेम वे डॉलर थोड़ा स्ट्रेंथन होता है तो वो इमीडिएट नीचर रिएक्शन दिया है, बट वेन डॉलर की जो तेजी आता है, इंडिया में रुपी की कमजोरी आता है, तो यू कैन टेक ऑल द वे। क्रूड के लिए कोई नेगेटिव फैक्टर्स तो इतना नहीं है, एंड क्रूड कैन नॉट ट्रेड बिलो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो मेरे को लगता है क्रूड में एक सुनहरा मौका है, यू शुड बाय एंड होल्ड। ठीक है, नेचुरल गैस पर अनुज गुप्ता, आपका व्यू आज के लिए क्या है? देखा है कि लास्ट वीक पॉजिटिव साइड में क्लोज हुआ है, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक लोअर लेवल बन चुके हैं और यहाँ से बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 160 से लेकर 162 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात है मेटल्स की, और मेटल्स की कीमतों में आज रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। एन प्रसाद, क्या आपको ऐसा कोई काउंटर दिखता है जहां पर आज के लिए ट्रेड करना फायदे का सौदा होगा? देखिए, कॉपर एक लोअर लेवल में कंसोलिडेट हो रहा है, वो हायर लेवल भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, एक गोल्ड पोस्ट के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये गोल्ड पोस्ट में डिफेंड हो गए तो अगले गोल्ड पोस्ट पर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो इट इज गुड टू बाय अ लो रिस्क ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि बाउंसेस, डेड कैट बाउंसेस आर फास्टर, ऑलवेज फास्ट मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब रुपए की, क्योंकि आज डॉलर के मुकाबले रुपए में तेज गिरावट आई है। अनुज, क्या आपको लगता है कि रुपए की गिरावट और बढ़ने वाली है? बिल्कुल मृत्युंजय, अगर हम देखें तो पिछले दो हफ्तों से अगर हम ट्रैक करें तो मार्केट एक डेप्रिसिएशन की तरफ ही चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आज भी मार्केट डेप्रिशिएट हो सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा मार्केट सुबह से ही करीबन आधा पैसा डेप्रिशिएट हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मूवमेंट रहेगा वो अभी और डेप्रिशिएट हो सकता है। अगर हम इंटरडे टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 66.80 तक लेवल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल संक्षेप में अनुज, जीरे पर आपकी कॉल इंटरडे में? और देखिए, जीरा मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए जीरे में, देखे जो टेक्निकल लेवल में काफी अच्छा सपोर्ट मिला है और फॉर्मेशन भी ऐसा ही बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और एन प्रसाद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए, बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हैं। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए निकिल में बाइंग का मौका है 635 के स्तर पर, टारगेट होगा 690 का, और 610 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।